साथियों, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज इलेक्शन कमीशन भाजपा का एक एक्सटेंडेड विंग बनकर काम कर रहा है। भाजपा का साथ पाकर इलेक्शन कमीशन अपने आप को देश के संविधान, देश के कानूनों से भी ऊपर मानने लगा है। हमारा कानून ये परमिशन देता है कि अगर एक आतंकवादी भी हो तो उसको सुनवाई का मौका मिलेगा, पर इलेक्शन कमीशन ने यह भी जरूरी नहीं समझा और सीधा एक्स को बोलकर हमारी एक ट्विटर पोस्ट को हटवा दिया। एक्स ने भी, जो कंपनी एक्स है, उन्होंने भी हमें चिट्ठी लिखकर बहुत दुख जाहिर किया कि हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा और हमारी पोस्ट को हटाया जा रहा है। ऐसा क्या था उस पोस्ट में? यह है वो पोस्ट। क्या झूठ है इस पोस्ट में? सच है इस पोस्ट में। इसमें लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम था। इसमें लिखा है कि इस स्कैम के जरिए 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी ने भाजपा को दिए। वो शरद रेड्डी जिसको भाजपा साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी, उससे 60 करोड़ लिया, जिसके बाद वो एक सरकारी गवाह बना, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया। वो शरद रेड्डी जिसके 60 करोड़ भाजपा को देने का प्रमाण साफ साफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में है। वो शरद रेड्डी जिसकी बेल के टाइम ईडी चुप रही, ये एक सच है। ये सच हटाने को हमें बोला गया। भाजपा की इलेक्शन कमीशन को अब तक हम 9 कंप्लेंट्स दे चुके हैं, एक के बाद एक, उन भाजपा की होर्डिंग्स के ऊपर, भाजपा के पोस्टर्स के ऊपर, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन। आपको मैं उदाहरण के तौर पर सिर्फ 3 पोस्ट दिखा रही हूं, ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। ये पोस्ट देखिए, एक चुने हुए पॉपुलर थ्राइस इलेक्टेड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बुला रही है भाजपा। यहां तो दोष साबित भी नहीं हुआ, इसकी कंप्लेंट भी की, पर ये भाजपा के इलेक्शन कमीशन को दिख नहीं रहा, आंखें बंद हो गई हैं उनकी। दूसरी पोस्ट देखिए, शराब घोटाला के बारे में फिर से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तोहमत लगाते हुए, जो कोई प्रमाण नहीं मिला। प्रमाण तो भाजपा के अकाउंट में मिला है 60 करोड़ का, जो हमारी पोस्ट हटवा दी। ये पोस्ट वैसी की वैसी है बीजेपी डेली पेज पे। इस पर इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है। ये तीसरी पोस्ट, फिर से अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपशब्द यूज करते हुए, कोई प्रमाण नहीं है, कोई दोष साबित नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई FIR नहीं है, कोई 54 की रिकवरी नहीं हुई, पर भाजपा उनको दोषी करार दे रही है अपने एक्स अकाउंट पर। ये इलेक्शन कमीशन को दिख नहीं रहा, आंखें बंद हो गई है उनकी। क्या झूठ है इस फोटो में जो ये हमें हटाने को कहा गया? क्या झूठ है? क्यों हमें सुनवाई का मौका नहीं मिला? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या ऐसे इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष मानना चाहिए? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां पर आप कुछ भी लिखते जाएं अपने ट्विटर अकाउंट पर, बीजेपी कुछ भी लिखती जाए, पर हम एक सच भी पोस्ट नहीं कर सकते? झूठ फैलाना भाजपा का सेकंड नेचर है। मिस इंफॉर्मेशन में भी इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गया भाजपा के रहते, पर यह सब इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा। तो मैं फिर से भाजपा की इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करती हूं कि जो 9 कंप्लेंट्स हमने दी है, अगर वो सच में निष्पक्ष है तो उन पर तुरंत एक्शन ले। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।